गौरव भाई जो हमारे यूट्यूब के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है ना, बहुत ज्यादा इतने से, उनका प्रश्न ये है कि आप वीडियोस नहीं बनाते रेगुलर, तो क्या जवाब है आपका? उनका प्रश्न ये है कि आप वीडियोस नहीं बनाते रेगुलर, तो क्या जवाब है आपका? जब पेटी नहीं आती है तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है। नहीं, जो इन्होंने ये बोला उसमें से मैं थोड़ा सा पोर्शन कट कर दूंगा या फिर बीप में डाल दूंगा, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, आज हम कहाँ जा रहे हैं गौरव भाई? हगने हगने हगने। ये भी बीप में जाएगा, ये भी बीप में जाएगा। चलो आपको बताते हैं आगे 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 इस वीडियो में हम कहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर पेज। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मेंडी व्लॉग्स। आप सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग यार वीडियो नहीं बना रहे बहुत दिन से, और एक वीडियो रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम पे मुझे गौरव को बहुत दिनों से आ रहा था, बिगिनर्स के ऊपर के बिगिनर्स को क्या खाना है, जिम कब आना है। तो आज के हमारे फर्स्ट एपिसोड में बिगिनर्स के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे साथ हैं गौरव। गौरव भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गौरव भाई, बिगिनर्स का पहला क्वेश्चन ये, हमारी एग्जैक्ट एज क्या होनी चाहिए मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए, जिम कब ज्वाइन करें? यार देखो, फिटनेस की कोई एज नहीं होती, तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आप आउट ऑफ शेप हो। 11 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, 13 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बट आजकल मोस्टली बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम आती है, हमारे चाचा ने, हमारे ताया ने या हमारे किसी फ्रेंड ने बोला है कि आप अभी जिम मत ज्वाइन करो, बिकॉज आप अभी आपने 12th नहीं करी है या आपने ग्रेजुएशन नहीं स्टार्ट करी है, आपकी हाइट रुक जाएगी। अरे वो कौन लोग हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जिन्होंने कभी जिम की शक्ल नहीं देखी। जिम स्टार्ट करने की कोई एज नहीं है, 12-13 साल से स्टार्ट कर सकते हो, 11 साल से स्टार्ट कर सकते हो। जब आप एक चीज अपने फिटनेस के लिए कर रहे हो, आपके शरीर को खराब कैसे कर सकती है? राइट। तो यही मेरा क्वेश्चन जो था, मुझे बहुत सारे बंदों ने जिम में भी पूछा था, इंस्टाग्राम में भी मैंने आपको बताया था, क्या एज मैटर करती है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। और दूसरा क्वेश्चन सेम वही जो हम बात कर रहे थे कि क्या हाइट मैटर करती है, आप ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे, आप ज्यादा कुछ करेंगे तो आपकी हाइट उतनी ही रह जाएगी? नहीं, ऐसी बातें सुन के कई बार हंसी आती है। कि हम तो छोटे हुए नहीं। कि हम हैवी उठाएंगे तो हम छोटे रह जाएंगे। कई रेसलर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं जो 6.5 फुट 7 फुट हैं, तो अगर वो उठाते हैवी तो वो छोटे हो जाते। राइट। तो वो तो हुए नहीं अभी तक, ये भी सब गलत है कि हैवी उठा के आप छोटे हो जाओगे। अच्छा, मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा था अभी, बिगनर्स जो है मोस्टली आपने भी देखा होगा डाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली उनका क्वेश्चन होता है सर प्रोटीन ले लूं या प्रोटीन ना लूं? डाइट को कोई भी फॉलो नहीं करता। जब तुम्हारी डाइट ही नहीं है तो मैं वही 7-8 हजार रुपया खर्च कर रहा हूँ अपना, अपने पेरेंट्स का। जब तक आपकी डाइट नहीं होगी, जब तक आप खाओगे नहीं, तब तक आपका कोई भी प्रोटीन काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई बिगिनर आके आपसे सवाल पूछता है कि सर मैंने आज से जिम ज्वाइन करना है तो, और आप मुझे प्रोटीन बता दो मैं कौन सा लूं? मैं कभी भी नहीं बताता ऐसे कि आज ही तुम्हें मैं प्रोटीन ये रेकमेंड कर देता हूँ कि तुम कल से ये ले लो ये ले लो, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जिस बंदे को जिम का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन सुन के आ गया कि हाँ जी मुझे प्रोटीन खाना है, उसको आप क्या गाइड करोगे? आप कुछ भी गाइड कर सकते हो, गलत गाइड कर दो, अच्छा गाइड कर दो, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब मेरे जैसे जिम गोर्स होंगे जो सही गाइड करते हैं, और मोस्टली नहीं करते। हाँ, क्योंकि मोस्टली नहीं करते क्योंकि उसमें पैसा, प्रोटीन उनको अपना बेचना है, उनको सप्लीमेंट्स बेचने। ये एक क्वेश्चन जो है, सप्लीमेंट जो है मुझे कब लेने चाहिए सबसे पहले बिगनर, क्योंकि मैं भी जब बिगनर था मेरे माइंड में यही क्वेश्चन था कि यार मुझे क्या मैं डाइट से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सप्लीमेंट कब लूँ
और कितना लूं? कि सप्लीमेंट्स वो तो मैटर करता है, आप कौन से सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप वे की बात कर रहे हैं तो वे तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि आपको कितना लेना है। आप एक स्कूप से लेके पांच स्कूप तक दिन के कप, बॉडी टू बॉडी। अच्छा, आपके आपने भी वे प्रोटीन का नाम लिया, मुझे एक चीज याद आई, बहुत सारे लोगों को लगता है वे एक कंपनी है। इधर हर किसी को यही लगता है तो कि वे कंपनी है। आते ही आप उनको कुछ बोलोगे तो वो सबसे पहले नहीं सर मुझे वे चाहिए, वे वालों का प्रोटीन चाहिए, ये समझाना कई बार मुश्किल होता है। मुझे वे कंपनी का प्रोटीन चाहिए। हाँ, वे कंपनी का। हाँ, हाँ, मैंने भी सुना है तो ये बहुत बार सुना मैंने। और फिर मैं लोगों को समझाता हूँ कि वे कोई कंपनी नहीं है, ये तो सभी को मैं बता दूं। वे एक प्रोटीन का फॉर्म है ये। और वे प्रोटीन हर एक कंपनी बनाती है जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में है। बिगिनर्स को अगले कितने मंथ्स तक सप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मैं फर्स्ट तो दो या तीन मंथ नहीं बताता उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डाइट पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ पहले कि यार तुम ये खाओ ये खाओ। okay. काफी हाउसहोल्ड चीजें होती हैं, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करवाता किसी का, तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं तो उनके पास पैसे होते नहीं है। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। बट वो शायद कहीं ना कहीं कोई उनके फैमिली में पहलवान होगा जो उनको रिकमेंड कर देगा यार मैं भी तो यही खाता था। दंगल, दंगल। पहलवान जो है वो बिल्कुल अलग फॉर्म है बॉडी बिल्डिंग की। हाँ ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपकी डाइट वैसी होनी चाहिए। अगर आप दौड़ लगा रहे हैं और आप डाइट खा रहे हैं एक बॉडी बिल्डर जैसी, तो आप ना तो वेट लूज करेंगे ना ही आपकी स्ट्रेंथ उतनी आएगी। जब हम जिम से निकल रहे थे तो एक बंदे ने मुझसे पूछी थी, सर मुझे एक्सरसाइज करते हुए 3 महीने हो गए। बहुत बंदों को मैंने देखा है जो कि 2 मसल्स को इकट्ठे ट्रेन करते हैं, जैसे चेस्ट और शोल्डर, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जिनको हम बाई ट्राई भी बोलते हैं। उसका सवाल ये था कि क्या हमें एक दिन में 2 मसल्स या एक से ज्यादा मसल्स को ट्रेन करना चाहिए? कि ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। हाँ, एटलीस्ट मेरे जिम में तो सभी लोग करते हैं। मोस्टली सब। हाँ, कर रहे हैं। पर वो भी दोबारा डाइट पे ही आ जाता है। अगर आपकी डाइट नहीं है तो आपको सिर्फ एक ही मसल ग्रुप ट्रेन करना चाहिए। एक्चुअली बिगिनर्स को ये सर्कल करना चाहिए कि घूम फिर के बात आपकी डाइट पे आ रही है। मोटे लोगों के बारे में, मोटे लोगों का सबसे मेन मिथ जो मैंने भी सुना है कि उनको कोई सलाह देता है यार तू इतना मोटा हो गया, तू एक काम कर, तू ना कम खाया कर, तू 3 में से सिर्फ 2 टाइम खाया कर, या एक ही टाइम हैवी या यू कैन से एक सॉलिड मील लिया कर, बाकी टाइम तू सलाद खा, बाकी टाइम तू पानी पी, तू जूस पी, तू पतला हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भूखा रह के आज तक कोई पतला नहीं हुआ। हाँ। और ना ही कोई होने वाला है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? और डाइट वो आपको जज करना है कि आपके शरीर को क्या सही लग रहा है। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको नियर टू नेचर चीजें खानी है, सिर्फ उसको कोई रिफाइंड और ऐसा कुछ में तलना नहीं है, बनाना नहीं, फैटी चीजें, फ्राइड चीजें, फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है। और एक चीज ये लोग खाते हैं जी, सुबह खा रहे हैं और शाम को खा रहे हैं, कि हम बल्क में खा लेंगे हमारा टाइम निकल जाएगा, वो चीज बिल्कुल गलत है। आपको हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है, पर ऐसा सा खाना है जिससे आपका पेट भी ना भरे और आपको भूख भी ना लगे। तो वैसे पता नहीं क्यों बिगिनर्स ने ये मेरे से क्यों पूछा है, क्योंकि बिगिनर्स को तो, मैं जब बिगिनर था मुझे तो ये पता भी नहीं था। उन्होंने पूछा है कि मुझे प्री वर्कआउट लेना चाहिए या फिर मैं 2 पैकेट 2 सैशे एक्चुअली कॉफी के पी के आ जाऊं तो मेरे को ठीक होगा? इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। लोग बोलते हैं कि कॉफी पी लो, बीट रूट खा लो। अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती आप प्री वर्कआउट मत लीजिए, खत्म कहानी। आप कॉफी पीजिए, आप बीट रूट खाइए, प्री वर्कआउट का काम प्री वर्कआउट ही करेगा। बिल्कुल, कॉफी का काम कॉफी करेगी। हाँ, प्री वर्कआउट में हम ये बोलते हैं कि कैफीन जो है वो आप समझ लीजिए 90% कैफीन है। हाँ, ट्रू है। अच्छा, बहुत सारे बिगिनर्स को ये भी सवाल होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इनको बता दो कि प्री वर्कआउट क्या होता है। प्री वर्कआउट
एक सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट ये है। को जिस दिन आप लो फील कर रहे होंगे या आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है या कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, आपको ये उन्हीं दिनों में लेना चाहिए। सो सॉरी, कैमरे का मेमोरी कार्ड ही खराब हो गया, आई डोंट नो कैसे। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्राइपॉड माउंट एंड देन फोन। मुझे याद आ गया वो वाले दिन जब हम बाइक वाले सीन शूट करते थे इसके साथ। इस पेज के तो गौरव भाई मोस्टली सारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। वैसे ही दो तीन चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि बिगिनर्स बोलते हैं सर हम आ जाएं, आज ही हमें बता दो कि चेस्ट की एक्सरसाइज हम कितनी करें, 20-30 एक्सरसाइजेस हमें लिखा दो। तो बिगिनर्स के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सलाह के थ्रू क्या है? यार आजकल कोई भी बेसिक्स पे स्टिक नहीं होना चाहता, वो सीधा ही एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। जो एडवांस लेवल पे भी पहुंच चुके हैं वो ये समझ चुके हैं कि हमें बेसिक एक्सरसाइजेस ही करनी पड़ेंगी किसी पॉइंट पे। यस, तो आप यूट्यूब पे देखते हैं वो बॉडी बिल्डर्स हैं अपनी वीडियोस बनाते हैं तो सुपर सेट दिखाते हैं। हाँ, सुपर सेट दिखाते हैं, ड्रॉप सेट सिखाते हैं, डंबल से या प्लेट से अजीब वगरीब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिनका कुछ बेस है नहीं। और आपने नोटिस किया होगा एक डेढ़ दो दो घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, वो चीज बहुत गलत है यार। जिम आते ही घुसते ही आपको ना जिम का ए भी नहीं पता है और आप दो दो तीन तीन घंटे वर्कआउट कर रहे हो तो आपको इंजरीज ही होंगी और कुछ नहीं होगा। जो भी बिगनर आ रहा है, बिगनर सबसे पहले ये ध्यान दे अपनी जो एक्सरसाइज है 30-45 मिनट्स के बीच में रखो, बट वार्म अप के अलावा। वो बहुत जरूरी है वार्म अप के अलावा। वार्म अप अगर आपका 15-20 मिनट का है तो आप उसको इंक्लूड ना करो। वार्म अप तो सर यहाँ पे कोई करता ही नहीं करता, डायरेक्टली आपको वेट उठाने, डायरेक्टली आप सीधा आओ 60 किलो उठाओ, आपको वार्म अप करना पड़ेगा, आपको मसल एक्टिवेट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट होगी। अगर आप जितने भी बिगिनर्स हैं, अगर आप लोग यूट्यूब में ये सर्च करते हो कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है, अगर आपको ये पता है कि ड्रॉप सेट्स क्या हैं, सुपर सेट्स क्या हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, तो प्लीज आप ये भी चेक करो कि आप स्ट्रेच कैसे कर सकते हो, पुशअप्स। मुझे तो लगता नहीं कि पुशअप्स कोई मारता है आज, कोई भी नहीं मारता, कोई नहीं। आते ही बेंच प्रेस, आते ही मतलब जो भी मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हैं उसके बाद भैया मेरा ये दुख रहा है, भैया मेरा वो दुख रहा है, तो भाई वो दुखेगा जब मसल रिकवर नहीं होगा। आप अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा यूज कर रहे हो अपने मसल को तो वो तो टियर ही होगा। एक सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया था कि मैं छुट्टी जो है 3 महीने आया हूँ, फॉरेन में रहता हूँ, मैं आर्मी में रहता हूँ या मैं कहीं भी कुछ में जॉब करता हूँ, 3 महीने के लिए आया हूँ, 3 महीने में ना मुझे ये वाली बॉडी बना दो। अरे यहाँ पे लोगों का मिसकंसेप्शन है, लोगों को बॉडी बनाना बहुत आसान है, इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मेरी तरफ से तो तपस्या है इसमें, काफी साल लगते हैं, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मनी लगती है, बहुत ज्यादा पेशेंस। हाँ, पेशेंस तो सबसे ज्यादा है, पेशेंस नहीं होगी तो आप बॉडी नहीं बना सकते, डाइट आप नहीं कर सकते, स्लीप, बहुत सारी चीजें जो कंक्लूड करती हैं। अब मेरे जिम में एक लड़का आया था, भैया मुझे 12 दिन की छुट्टी है, 12 दिन में मुझे मेरे जिम में आर्नोल्ड का पोस्टर लगा था तो मुझे वैसा सा बना दो। लाइक कैन यू इमेजिन, मतलब 12 दिन में आपको आर्नोल्ड। मैं बच्चों को समझा ही नहीं सकता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। इन चीजों के अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या इंस्टाग्राम, आपको पता ही है मनदीप सिंह ठाकुर मेरा इंस्टाग्राम, गौरव शर्मा से भी सर्च हो जाओगे, गौरव शर्मा से सर्च हो जाऊंगा, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। तो आप इंस्टाग्राम कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो सेम नाम से रखते हो, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर ये दें इस चैनल के थ्रू से, इन वीडियोस के थ्रू। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए बंदे जुड़ेंगे हमारे साथ वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, आपको रेगुलर वीडियोस आ जाएंगी।